7 अप्रैल 2023 को माओवादियों के दक्षिण सब जोनल ब्यूरो की प्रवक्ता समता द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया और इस प्रेस नोट में केंद्र और राज्य सरकार पर माओवाद प्रभावित इलाकों में आदिवासियों पर हवाई हमला करने का आरोप लगाया गया। क्योंकि ये बेहद गंभीर आरोप हो जाता है जब अपने ही देश के नागरिकों पर या फिर आंतरिक सुरक्षा माने जाने वाले माओवादियों के खात्मे के लिए, सफाई के लिए यदि हवाई हमले का आरोप लगता है तो मामला बड़ा हो जाता है, गंभीर हो जाता है, संवेदनशील हो जाता है। मुझको लगा क्यों ना ग्राउंड रिपोर्टिंग करके मैं बस्तर जंक्शन के अपने दर्शकों को ग्राउंड के हालात दिखाऊं कि उस इलाके में रह रहे आदिवासी किन हालातों में और कितने डरे सहमे जी रहे हैं इन हवाई हमलों के बाद। तो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने मैं सुकमा और बीजापुर के सीमावर्ती इलाके में पहुंचा हूं। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर जंक्शन में आज मैं सरकार द्वारा माओवादियों के खात्मे के लिए किए जा रहे अलग अलग स्तर की जो तैयारियां हैं या युद्ध जैसे जो हालात हैं, इस बीच जो हवाई हमले सरकार पर करने का आरोप माओवाद संगठन या ग्रामीण लगा रहे हैं उसकी रिपोर्टिंग कर रहा हूं, दिखा रहा हूं। दरअसल ये कोई पहली बार नहीं है सरकार पर हवाई हमला करने का आरोप कोई पहली बार नहीं लगाया। इससे पहले भी अप्रैल 2021 और साथ ही अप्रैल 2022 और जनवरी 2023 में सरकार पर हवाई हमला करने का आरोप लग चुका है। अब अप्रैल 2023 में चौथी बार, 3 साल में चौथी बार हवाई हमला का आरोप लगा है। जब मैं इस इलाके में पहुंचा तो नजदीक ही एक गांव है कोंडापल्ली, वहां पे ठहर गया। क्योंकि हवाई हमले के तुरंत बाद मैं यहां पहुंचा और मैंने खुद देखा कि आसमान में हेलीकॉप्टर दो घंटे से अधिक देर तक मंडरा रहा था। ग्रामीणों ने मुझको बताया कि जब यहां हवाई हमला हुआ तो उसका जो आवाज है, उसकी जो गूंज है, यहां से करीब 40 से 50 किलोमीटर दूरी तक सुनाई दिया। यहां से बासागुड़ा की दूरी करीब 45 से 50 किलोमीटर है, वहां पे भी लोगों ने हवाई हमले के दौरान जो आवाज उठा या गूंज उठी उसे लोगों ने सुना है। जब मैं इस जगह पहुंचा, गांव में पहुंचा, तो ये तमाम जो ग्रामीणों को देख रहे हैं, आदिवासियों को देख रहे हैं, ये दरअसल हवाई हमले के विरोध में इस जगह एकत्रित हुए हैं। जैसे ही इन्हें खबर लगी कि मैं और मेरे साथ 4 साथी और पत्रकार यहाँ पहुंचे हैं तो ये अपना विरोध दर्ज करने के लिए इस जगह इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। साथ ही अपने साथ कुछ सामान ये साक्ष्य के तौर पर, प्रमाण के तौर पर हमारे सामने ले आए, जिन्हें देखकर ये कहा जा सकता है कि हवाई हमला तो इस इलाके में जरूर हुआ है। ये कल पुर्जे हैं, मैकेनिज्म है उस बम का, जो फटने के बाद जो अवशेष बच गए हैं उसे ये ग्रामीण हमें लाकर दिखाए हैं। ये जो बम का हिस्सा आप देख रहे हैं ये बिल्कुल बीच का हिस्सा है, पीछे आप देखेंगे ये इस तरह से सेट होता है, इसमें कुछ वायरिंग भी आप देख सकते हैं, ये ऐसा रहा होगा और साथ ही ये सामने का हिस्सा है। तो इस तरह के बमों का इस्तेमाल किया गया है। ग्रामीण हमें बता रहे हैं कि 15 से अधिक बम इलाके अलग अलग इलाकों में गिराए गए हैं। संभवतः ये विस्फोटक है जो सफेद कलर का है, जिसे थैली में कैद कर लाया गया है हमें दिखाने के लिए। तो ये तमाम वो सबूत हैं, बम के वो अवशेष हैं जिसे ग्रामीण दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके इलाके में, आदिवासियों के इस इलाके में माओवादियों के उन्मूलन के नाम पे सरकार द्वारा हवाई हमला किया गया है। माओवादियों के DKSZC यानी कि दंड कारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प ने भी एक प्रेस नोट जारी किया है। इस प्रेस नोट में माओवाद संगठन द्वारा थल सेना, वायुसेना, NSG कमांडो, CRPF और ग्रेहाउंड पर माओवादियों के उन्मूलन के नाम पे इन इलाकों में हवाई हमला करने का आरोप लगाया गया है। ये वो ग्रामीण हैं जो इस हवाई हमले के विरोध में इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं और अपना विरोध इन जंगलों में दर्ज कर रहे हैं और इन्हें इस बात की उम्मीद है कि इनकी आवाज बस्तर जंक्शन के माध्यम से या अन्य पत्रकारों के माध्यम से आप लोगों तक, दर्शकों तक पहुंचेगी। आइए पहले इनसे बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं 7 अप्रैल 2023 को हुआ क्या था। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम चोरी।
कौन से गांव के रहने वाले? दामारम। ये दरमारम यहाँ से? दामारम। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से कम से कम 7 किलोमीटर। उस दिन क्या हुआ था? 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को हुआ था कि इसमें 6 तारीख रात को, रात कम से कम 3 बजे करीब टून आ रहा है यहाँ पे। मतलब ये ऊपर घूमने का वाला ड्रोन पीछे आए। हाँ। उसके बाद वो पहले घूम रहे आसपास गांव में, सर्व तरफ में सर्वे किया है। उसके बाद ड्रोन आए, ड्रोन के साथ 7 बजे करीब हमला चालू किया है, बम बरामद किया गया है। उसके बाद 10-15 मिनट के अंदर फिर से हेलीकॉप्टर 3 आए, फॉर्मेट से होते 3 आए। उसके बाद हेलीकॉप्टर से भी फायरिंग किया गया। उसमें कहीं कहीं ये हम लोग का लोग पूरा 4-4 बजे उठ के जाते हो खेत में, वहां बीने जाते हैं, वहां बीने जाते हो। सब लोग तो गाय भगाने का रहते है, जो कम से कम उजेले होने तक अपना कोई कोई बीनता भी रहता है। लेकिन तो उसको भी कहीं कहीं लग गया लोगों को। गाय लगा? किससे लगा? खींचे वो ये बमन गोली जैसा वाला लगा है किसी को? किसी को लगा भी होगा, वो भी नहीं आ पाया है। कम से कम आवाज यहाँ से कम 50 किलोमीटर दूर तक भी गया है। क्या गया वो आवाज? उसे आवाज चुन के कोई बेहोश भी हुआ था। आए हैं ऐसे कोई जो बेहोश वगैरह हुए थे? तो नहीं आ पाया है। अच्छा जी। कितने देर तक चलता रहा? चल रहा है कम से कम 8-9 बजे तक चल रही है। कितने हेलीकॉप्टर आए थे? 3 आए थे। जी। तीनों से फायरिंग की गई थी क्या? तीनों से हेलीकॉप्टर किया गया है। अच्छा, तो जब हेलीकॉप्टर से फायरिंग कर रहे थे तो कितने ऊपर छोड़ रहा था हेलीकॉप्टर? क्या है कि सर हम लोग ने देखना पाया तो ऊपर से कर रही होगा सर। तुम कहाँ थे जब ये सब हो रहा था? तो हम लोग गांव से, वहाँ से दिखता था ना सर। अच्छा, तुम्हारे गाँव तरफ हुआ? हम लोग का तरफ नहीं हुआ लेकिन उधर से दिख गया। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम मारे लक्ष्मण। मारवी लक्ष्मण? लक्ष्मण जी। कौन से गांव के रहने वाले हो लक्ष्मण? कोमटपल्ली। कोमटपल्ली जी। कोमटपल्ली में हुआ है क्या? कोमटपल्ली में नहीं हुआ है सर, आसपास है गांव, हमारा गांव 10 किलोमीटर है यहां से। तो आवाज सुनाई दिया और तो भी सब घूमने उधर पूरा कोमटपल्ली से घुमा है, लेकिन हमारा साइड बमबारी नहीं हुआ है। इस साइड हमारा खेत भी सब इसी साइड रहता है। इस साइड से आवाज सुन के, ऐसा आवाज सुन के हम भी भग गए गिर के घर। तुम देखे हेलीकॉप्टर से जब फायरिंग हो रहा था? हेलीकॉप्टर से फायरिंग हुआ वाला आवाज सुनाई दिया है, ऐसे घूमते घूमते फायरिंग किए। कितने ऊपर छूट रहा था हेलीकॉप्टर? हेलीकॉप्टर तो लगभग 1500 किलोमीटर तक था। 1500 किलोमीटर नहीं होगा, 1500 किलोमीटर बहुत दूर होता है। ठीक है ठीक है, इन्हें दूरी का अंदाजा नहीं होगा। खैर कोई नहीं। इसमें किसी तरह से कोई घायल हुआ है क्या ग्रामीण? हमारे साइड तो कोई कोई इधर साइड वाले घायल हुए सर, गाय मन भी मर गया। अभी अभी हम लोग को अब मुआबिन ने टोई आवाज देगा तो हम लोग मुआबिन ने जाने के लिए बहुत डर लग रहा है। हम लोग ऐसा कभी ऐसा वाला ड्रोन हम लोग कभी नहीं देखे थे। हम लोग तो इससे पहले तो हुआ है ना, 3 बार और हुआ है? 3 बार हुआ है लेकिन हमारे आस पास नहीं हुआ, इधर बोटम साइड हुआ है। मेटागुड़ा साइड हुआ, हमारे पास में नहीं हुआ था इसलिए हमको बहुत डर लग रहा है। अच्छा, तो अभी जा रहे हो महुआ बिन्ने? अभी नहीं जा रहे सर, 3 दिन। अब आज सुबह 6 बजे टुई आता है तो हम लोग नहीं जा पाते, फिर ऐसे करेंगे करके हम लोग को डर लग रहा है। अब घर में ही रहते। आज भी तो ड्रोन आया था ना? सुबह आया था सर, इसी इसके वजह से हम लोग नहीं गए। मैं कुंडापल्ली में था, आवाज सुन रहा था ड्रोन का। सुबह तो आया था, सुबह आया था। हर दिन आता है, हर दिन आता है। आप लोग नहीं आता है मान के चलो, नहीं आता करके चलो, लेकिन 2-3 दिन ही फिर को आप लोग सुनोगे, आप लोग देखोगे। अच्छा, जब तक पता चलेगा, जब आप लोगों को भी पता चलेगा वो कैसा घूमता है, कैसा रहता है, जनता कैसा आके जंगल में रह के भग के आते हैं। हम लोग तो जंगल में जाते हैं सर, जंगल में जाते हैं, अच्छा अच्छा जंगल में जाके लकड़ी लाते हैं, मुआ बीनते हैं और कुछ पत्ता उत्ता तोड़ के लाते हैं। ऐसा हम लोग नहीं जा पा रहे, हम लोग कहाँ निकले, कहाँ से मिलेगा सर? हम वहाँ जंगल से लकड़ी ला के हम लोग जीते हैं। तो जब ऐसे हमले होते हैं तो डर तो बढ़ता ही है। बढ़ता ही, अब डर मार के अभी नहीं गए कहीं। तो बड़ा नुकसान हुआ, 3 दिन तक आप जा नहीं रहे हैं जी।
नहीं जा रहे जंगल नहीं जा रहे। अभी गाय हुई कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, गाय हुई भी ढूंढ के नहीं बांधे। अच्छा ठीक है। हाँ एक महिला भी है, चलिए इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? हिंदी नहीं आता है? गोंडी वायता कोया माटा वायता कोया। अब समस्या ये है कि मेरी गोंडी बहुत कमजोर है। गोंडी समझ में जरूर आती है लेकिन गोंडी बोल नहीं पाता हूँ। हालांकि मेरा बचपन इन्हीं आदिवासियों के बीच बीता है, मगर ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं गोंडी बोलना सीख नहीं पाया। बहरहाल हम गोंडी में ही समझते हैं और फिर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बाता पेदिर आयो बीम। हाँ बीमे बीमे लोता पेदिर बाता कोवास कोवास बीमे। कौन सा गाँव कहाँ है आपका? नार जरतिल्ला आसपास जंत मोता मम एक बमी अस्तस के पुत्तम गदा दे सत्ते मम किए जी वक्त। अच्छा पत्रकार आए करके सब जमा हो गए। उस दिन क्या क्या हुआ था पूछो इनसे। गुणी में पूछो। हाँ गुणी में पूछो। 7 अप्रैल क्या क्या हुआ था बताओ। 7 अप्रैल अप्रैल महीना 7 तारीख थे नरकोम 6 बजे मुन्ने नरगी दीना किटोई वेलिकता नरकपली तिरियन दिनाले पायल पड़गी नरक पहली वेले वेले अप्रैल 7 तारीख ते नरकोम 6 बजे इधु ड्रोन बमी अस्त जनतापुर इगा इधु कवरगट्टा मीनगट्टा जब्बगट्टा बटिगोड़ा नडमा जंगल तेग अंदाजे अस्तग बातिल जंगल तेगे मतम जनता अधीनते इंजे मम इडुपे खतम गदी समय ते जंगल तक इडुपे कनस्के इडुपे कना जनतापुर ने इलाक्ता जनता इव नेकतस्के माकिनार के भय मानता मुनिवन जरक्त गद 2021 ते 22 ते जरक्तस्के इव इव वत्तस्के इले जनतापुर अमल की तरह जिके सी भय मास जनता दीन नरगे वेरी मजी मृतरो मृतस्के ई आय अंदाजे आ जंगल पुरो टोई संगे ड्रोन संगे बमी एसी मंजे हेलीकॉप्टर संगे वंडे फायरिंग कितर पुरो मंजे फायरिंग कितर हेले कितस के मम्मा मोता मास पास्ता नाकिन जंत वंडा दीन गुले इडो पे कम मम मोता मीके वास मतब ईगे वासी ईले असल सरकार बेले के न मन पुरो बमी वाट के मम मन असल बेले बात कने जो मम्मा अदिके सरकार ता अनुमति ईगा ಈ ಜಂಗಲ್ ಲೋಪ ಜಂತಪುರ ಬಮಿಯಸಿ ಜಂತಕಿ ನೌಕನದಿಂಜೋ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಮಿಂದಿಯ ಸವಿದಂತ ಮಿಂದಿಯ ಇಲೆ ಕೀಸೋ ಮತಿಕೆ ಮಮಸಲು ಈ ಜಂಗಲ್ ತಗ ಈ ಭೂಮ್ ತಗ ಮಮ್ ಬತ್ಕನದ ಲೇವಕ್ಕೆ ಮಿರನದ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಕಿನ್ ಪೂಡನದ ಈಗ ಉಡನದ ಈಗ ಬತ್ಕನದ ಜಂತಕಿನ ಸಾಯ್ತೆಂಜೋ ಸರ್ಕಾರ ಕೆತಮಂತ ನಿಜಂ ಬೆದಿ ಸಪ್ತೆ ಸಾಯ್ತ ಬೆದಿ ಸಪ್ತೆ ಮಾವುಪುರ जनतापुर अमल की ड्रोन संगे तो ये भी वही बता रहे हैं कि 7 अप्रैल 2023 को जब ये हमला हुआ इन इलाकों में काफी डर गए सहम गए और इसके बाद जब पत्रकार यहाँ पहुंचे तो अपना विरोध दर्ज करने ये यहाँ पे आ गए हैं। दरअसल सुबह सवेरे 3 बजे के आसपास ड्रोन पहले इस इलाके में आया और उसके बाद 6 बजे से 3 हेलीकॉप्टर यहां पहुंचे और अलग अलग इलाकों में 15 से अधिक बम गिराए गए और लगातार फायरिंग की गई। हालांकि ये अच्छी बात है कि इस हवाई फायरिंग या बमबारी में ग्रामीण जद में तो नहीं आए, लेकिन जैसे ही बमबारी शुरू हुई लोग घबरा गए और अपनी घरों के तरफ वापस दौड़ने लगे क्योंकि ये जंगल गए हुए थे। ये महुआ बिनने का वक्त है, महुआ का सीजन है, महुआ बिनने ये ग्रामीण सुबह से ही जंगल की तरफ जाते हैं। तो जैसे ही फायरिंग शुरू हुई बमबारी शुरू हुई काफी घबरा गए, दौड़ कर ये अपनी जान बचाने के लिए घरों की तरफ दौड़ रहे थे और इस दौरान कई ग्रामीण गिर गए और उन्हें चोट भी आई है जैसा कि ये ग्रामीण बता रहे हैं। ये बेहद अच्छी बात है, मैं दोबारा इसे दोहरा रहा हूँ कि किसी भी कोई भी ग्रामीण गोलीबारी या बमबारी के जद में नहीं आया है क्योंकि ये जो आदिवासी हैं इनकी जिंदगी वनोपज पर ही आधारित है, जंगलों से वनोपज का संग्रहण करते हैं और उसी से इनकी जिंदगी इनकी परिवार की जिंदगी किसी तरह चलती है। जब हम यहाँ रिपोर्टिंग करने पहुँचते हैं तब ये हमें
मुर्गा काट कर खिला देते हैं अपने, लेकिन ये लोग इमली का जो पानी है या फिर दाल है, बहुत सामान्य सी जिंदगी, बहुत सामान्य सी जीवन शैली जीते हैं। ऐसे में जब इनके इलाके में बमबारी या फिर फायरिंग होगी तो जाहिर सी बात है ये जंगलों की तरफ नहीं जा पाएंगे, वनोपज का संग्रहण नहीं कर पाएंगे, तो इन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा जो कि ये उठा रहे हैं। जैसा कि ये ग्रामीण बता रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से हवाई फायरिंग के बाद से इस इलाके में ड्रोन घूम रहा है और इन ग्रामीणों को इस बात का डर है कि दोबारा हवाई हमला ना हो जाए इनके इलाके में और किसी को जान माल का नुकसान सीधे तौर पर ना हो। इस वजह से ये वनोपज के संग्रहण के लिए जंगल भी नहीं जा पा रहे हैं, जिससे बड़ा नुकसान इन आदिवासियों को हो रहा है। हालांकि जिस इलाके में इस वक्त मैं ये रिपोर्टिंग कर रहा हूँ ये माओवादियों का प्रभाव वाला इलाका है, माओवादी यहाँ अपनी समानांतर सरकार चलाते हैं, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या में आदिवासी भी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। सालों से इनकी पीढ़ियां यहाँ गुजर चुकी हैं। अब इनके इलाके में माओवादियों के उन्मूलन के नाम पे यदि हवाई फायरिंग होती है तब ये ग्रामीण इस जगह से पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे अपनी जिंदगी बचाने के लिए। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि सरकार नक्सलवाद के उन्मूलन के नाम पर कहीं इस इलाके से आदिवासियों का ही समूल नाश ना कर दे या फिर उन्मूलन ही ना कर दे। आपको लगता है कि ऐसे सवाल सरकार से होने चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल बस्तर जंक्शन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।